इफ आई रिकॉल फटाफट से संजय, छोटी सी बात, इफ आई आस्क यू, वी हैव डन समथिंग कॉल्ड सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन. थैंक यू. एंड अक्षरा, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इज कॉल्ड ईबीआईटी. नहीं, सही है. ठीक बोला, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वी कॉल इट एज ईबीआईटी. ईबीआईटी आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. मैं इसको ईबीआईटी भी लिख सकता हूँ, पीबीआईटी भी और दैट. नाउ अगर मैं आप लोगों को वापस थोड़ी देर के लिए 12th स्टैंडर्ड पे ले जाऊं फॉर 2 मिनट्स. मैं 12th स्टैंडर्ड में अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाता था बच्चों कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स. नाउ अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं थोड़ा सा जस्ट फॉर नॉलेज सेक, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था? सर आप ही ने तो बोला ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स. सो अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स. तो अगर मैं आज अपने बच्चों से पूछूं वेरिएबल, एक इमेजिनरी फिगर्स ले रहा हूँ बेटा समझाने के लिए, मुझे बाद में जरूरत पड़ेगा, 5 लाख 3 लाख 2 लाख वेरिएबल कॉस्ट रेशियो. तो आप क्या बोलोगी? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100. बिकॉज इन दिस चैप्टर आल्सो माय वेरिएबिलिटी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट is always calculated as a percentage of sales. So, ट्वेल्थ में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स होता था, लिवरेज के चैप्टर में कॉस्ट एज वेल एज कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज और ईबीआईटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स. Unless and until question says otherwise. तो हमारा by default rule यही रहेगा कि question बोलेगा variable cost ratio. So you know it has to be as a percentage of sales. तो ये मेरा कितना आ गया guys? 60%. अब मैंने जैसे अक्षरा से पूछ लिया, अक्षरा contribution ratio, रुक जाना एक मिनट, contribution ratio बोलो, आप इसे PV ratio बोलो. मैं पीवी सिंधु की बात नहीं कर रहा हूं यहां, पीवी रेशियो का मतलब है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. तो प्लीज, पीवी रेशियो इज नथिंग बट कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो. सो इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इट विल बी कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स. तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. नाउ बिफोर आई गो फर्दर गाइस, कई बार मैं भूल जाता हूं बताना, व्हेनेवर आई एम राइटिंग द वर्ड सेल्स इट हैज टू बी नेट सेल्स, एंड एवरीबॉडी नोस नेट सेल्स इज नथिंग बट टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. थैंक यू. एंड सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवॉल्यूम. थैंक यू. नाउ इस एग्जांपल के हिसाब से हमारा कितना आ गया? 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, विच इज 40%. नाउ संजय, कैन आई से वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो सम टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1? देखो प्रूफ किया मैंने, 60% प्लस 40% 100% विच इज नथिंग बट 1. नाउ माय नेक्स्ट थिंग विच गोज इज, एट टाइम्स एग्जाम में आप मेरे साथ क्वेश्चंस करेंगे, हो सकता है वो आपको बोलेगा पीवी रेशियो इज 30%. तो माय किड्स नो दैट वीसी रेशियो विल बी 70%. सो दिस इज द
crux we have to use. This is the crux we have to use. Last but not the least, आपने अभी formula लिखा PV ratio is equal to quantity upon sales into 100. इसका एक formula हम ये भी लिख सकते हैं. देखो contribution ऊपर भी word per unit कर दिया, नीचे भी word per unit कर दिया into sales. So what you are trying to say? That is, if the figures are given in rupee terms, amount term, so we will use absolute amount wala formula. If the figures are given per unit term, so we will use per unit wala formula. So far so good. Lock kar do. Iska ek formula aur hota hai. Halanki aapko kabhi use nahi aayega, but meri aadat hai, main likhe bagair reh nahi sakta. Upar bhi word change in laga diya, niche bhi word change in laga diya. Maths ka numerator and denominator mein agar aap change same karte ho, so your final result remains same. So third formula by chance kabhi use ho, MBA mein to zarur kaam aayega jab bhi aap aage higher studies karenge. Change in contribution upon change in sales into 100. So all the other two formulas were basically derived from it. And aakhri baat Akshara ke saath, Akshara agar hum maths kare ab, PV ratio ko agar aap sales se multiply kar dete ho, so what you get? Contribution. Thank you. So this is what you have to write. I'll wait for 1 minute if you want to write, and then we'll continue further. So we are doing questions from a book, and the people who will be watching recording later on, they will get the questions on the screen itself. Now, I'll start with some examples. Now, first question says, meri bari aaj pehle main karunga kuch question, then I'll be asking you guys, right? Now it says, calculate the degree of operating leverage, degree of financial leverage, degree of combined leverage from the following firms, and also interpret the result. So what I'm gonna do, I'll just solve it for firm A. Firm B and C, you can solve it as a homework. Now I know I have to calculate degree of operating, degree of financial, degree of combined. Tino ratios hi nikalne hai, to ek kaam karte hain. Sabse pehle ek kaam karte hain. Kya karte hain? Apna ek chota sa working note bana lete hain. Sir, working note as in, wo jo income statement likhwaya tha Patar. Sales minus variable cost is contribution. Contribution minus fixed operating cost is profit before interest and tax, called EBIT. EBIT minus interest is called EBT. अब मैं question देखूंगा. यार question में कहीं पे भी tax की बात नहीं हुई. So can I say for a question like this, my EBT itself becomes EAT. My EBT itself becomes earning after tax. Okay. Now next thing. Selling price is given to me as 60 paisa and variable cost is 20 paisa. 60 paisa, 20 paisa. It means my contribution is 40 paisa per unit. But yaar, mujhe to degrees nikalne ke liye rupees mein data chahiye. All right. Now in this question, we are being given with an output 60,000 units. Yahan pe main ek badtameez teachers ki baat karunga, mere jaise. Humne, ab dekho, main bade sare subjects padhata hun, isliye kya karun, ladies, main hun aadat se majboor. आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा अपनी लाइफ में, कॉस्ट शीट. नहीं भी पढ़ा था तो कोई बात नहीं. उस चैप्टर के अंदर जब आप कॉस्ट शीट बनाते थे, आप लिखा करते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स अस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. भूल जाओ आप इसको. मैंने यहां पे लिख दिया आप यूनिट सोल्ड. सर वाई? क्योंकि यार मुझे तो यूनिट चाहिए. सर वाई? क्योंकि यार मुझे तो यूनिट्स चाहिए. तो ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, प्लीज ध्यान देना बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन के अंदर संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे. कहने का मतलब आपके पास प्रोडक्शन की यूनिट्स तो दी है, आउटपुट इज यूनिट्स प्रोड्यूस. दे डिडंट मेंशन दैट इट इज यूनिट सोल्ड. उसने बोला आउटपुट. आउटपुट तो प्रोडक्शन के लिए यूज होता है. यार मुझे तो सेल्स की हेल्प से कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए ना, सेल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए. बट फॉर दिस स्टूपिड क्वेश्चन, माई यूनिट प्रोड्यूस
becomes equal to units sold. My unit produced becomes equal to unit sold. तो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दिया है और सेल्स नहीं दिया, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द यूनिट सोल्ड. क्योंकि जब तक आप यूनिट सोल्ड नहीं निकालोगे, आप कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते. मैंने कर लिया कॉन्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट. नाउ माई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, दे विल ऑलवेज मेंशन द वर्ड फिक्स कॉस्ट बेटर. दे विल ऑलवेज मेंशन द वर्ड फिक्स कॉस्ट. बट technically if the question is silent for the leverage chapter, by fixed cost they mean fixed operating cost only. So my fixed cost in this question called fixed operating cost becomes 7000, my EBIT becomes 17000, my interest is 4000. Once my income statement is ready, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो, अब हम भी हैं और तुम भी हैं, फटाफट से सॉल्व कर देते हैं. नंबर वन, क्वांटी अपॉन ईबीआईटी. आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन फॉर्मूलास को रटना नहीं है, कॉपी खोल के देख देख के लिखते रहो, बट लिखो जरूर जैसे मैं गधे की तरह बार बार लिखता हूँ. सो कॉन्ट्रीब्यूशन 24,000, ईबीआईटी 17,000. अभी आंसर निकाल लेते हैं बच्चों. Second degree of financial leverage, EBIT upon EBT minus zero. Sir, minus zero, beta, मैंने लिखवाया था. Minus pre-tax profit required to compute preference dividend. Sir, याद नहीं आया. इनका मैं बताता हूँ. Minus preference dividend upon one minus tax rate. और गलती से DDT होगा, तो उसे भी add कर देंगे. So, ये मैंने लिख के छोड़ दिया. हमारे इस question में share capital ही mentioned नहीं है. शेयर कैपिटल ही मेंशन नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड कहां से आएगा, तो इसीलिए मैंने उसको डायरेक्टली जीरो लिख दिया था. नाउ आर ईबीआईटी इन दिस क्वेश्चन इज 17,000 एंड ईबीटी इज 13,000 माइनस जीरो. माइनस जीरो मैं इसलिए बोलता रहता हूं ताकि मुझे उन गंदे क्वेश्चंस के लिए याद रहे. सो इट इज 24/17, 1.412 approximately up to 3 places of decimal. मैंने maintain कर दिया अगर question silent है, otherwise question mention करेगा. And 1.308. Now जब बात आई degree of combined leverage की, मैंने कहा यार मेरे पास तीन formulas थे, why not to use this formula which was the product of operating leverage into financial leverage. So when I solve it, I get 1.847 approximately. और अगर वो टू places of decimal तक round off करेंगे, it will become 1.85. मैंने form A का आप लोगों के लिए solve कर दिया और मैंने कुछ नहीं किया, जो last class में format लिखवाया था बच्चा पार्टी उसको लिख दिया. बस एक छोटी सी बात और बता दी कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन प्रोडक्शन इज बिकमिंग सेल्स. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ना ओपनिंग स्टॉक दिया है ना क्लोजिंग स्टॉक. नाउ यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? टेलो नो डाउट. ऑल राइट, लॉक कर दूं? Yes, all right. Now, मैंने फॉर्म ए का सॉल्व कर दिया संजय, यहाँ पे फॉर्म बी एंड सी का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं टू सेव टाइम. वो आपका होमवर्क हो गया बच्चों, एकदम रेपिटेटिव है. अब वो कहता है इंटरप्रेट द रिजल्ट. बड़े प्यार से बात करते हैं मैथमेटिकली. पहले बात करता हूं, अगर मेरा ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज की वैल्यू छोटी होगी तो कंबाइंड लिवरेज भी छोटा ही होगा. अब देखिए यही बात वो इंग्लिश में कह के बता रहा है. High operating leverage combined with high financial leverage represent risky situation. Obviously, leverage is the word for risk. So higher the leverage, higher the risk. Lower operating leverage will constitute ideal situation. It means क्योंकि risk जितना कम हो उतना अच्छा होता है. तो अब अगर आप देखेंगे
सबसे लोअर रिस्क कौन सी फर्म का है? जब आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, जब आप कैलकुलेट कर चुके होंगे तो आपका आंसर आएगा कंबाइंड लिवरेज। सबसे छोटा किसका आया? फर्म सी का। देयरफॉर फर्म सी इज लेस रिस्की बिकॉज इट हैज लेस फिक्स कॉस्ट एंड नो इंटरेस्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली लो कंबाइंड लिवरेज। क्योंकि देखो थर्ड वाली फर्म को जब आप सॉल्व करेंगे, उसमें अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपनी फिक्स कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, सबसे कम फिक्स कॉस्ट किसमें है? सी में, तो उसकी ऑपरेटिंग लिवरेज भी कम है, इंटरेस्ट है ही नहीं, तो फाइनेंशियल लिवरेज भी किसकी कम है? सी। तो नेचुरली कंबाइंड लिवरेज भी किसका कम होगा? फर्म सी का। सो दिस इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन फॉर दिस क्वेश्चन। इज दिस पॉइंट क्लियर संजय? इफ यू वॉन्ट यू कैन रीड इट वंस अगेन, आई कैन वेट। और एक बार आंसर नोट डाउन कर लीजिए। हाँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। हाँ एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो मैंने वर्किंग नोट अभी फॉर्म ए का बनाया, जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे सेम बुक की तरह करना बेटर, सो दैट आपको ये जो डेटा है इसको बार बार लिखने की जरूरत ना हो। अभी मुझे एक ही का करना था, मैंने एक का लिख दिया, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स ड्रॉ कर देंगे फॉर फॉर्म बी एज वेल एज फॉर्म सी। Now I'll start illustration 6.2. When we do illustration 6.2, इसको करने से पहले मैं आपको ना एक वो पुराने जमाने की हिंदी पिक्चर का डायलॉग याद दिलाता हूँ जो बाद में काम आएगा। पुराने जमाने की हिंदी पिक्चर्स में दिखाया करते थे, और मैंने रियल लाइफ में ऐसा किया भी है, मतलब किया है, मतलब आई एम ए पार्ट ऑफ इट। जब आप जाते थे पुराने जमाने की पिक्चर्स देखने, मम्मी पापा से कभी पूछना, वहां पे ना हॉल के बाहर, आजकल तो टिकट ऑनलाइन बुक हो जाती है, पहले ब्लैक पे मिला करती थी, और बाहर लोग जो होते थे, ये जो एजेंट्स लोग होते थे, वो बेच रहे होते थे 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय 10 का 20, 10 का 20? यस संजय, डू यू नो व्हाट इज, व्हाट डू दे मीन बाय 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20? यानी 10 रुपए वाली टिकट 20 रुपए में मिलेगी, 400 रुपए वाली टिकट 800 रुपए में मिलेगी। 10 का 20 मीन्स डबल, 10 का 20 मीन्स डबल डबल, डबल मीन्स 100% जंप। कैन आई से दैट? डबल मीन्स 100% जंप। कहाँ 400 रुपए, कहाँ 800 रुपए यार, कहाँ 100 रुपए, कहाँ 200 रुपए। सो कैन आई से दैट मीन्स 100% जंप? कैन आई से 100% प्रॉफिट? इज दैट क्लियर? यस सर ऑल राइट, अब चलते हैं आगे। मैंने भी एक पिक्चर आई थी आमिर खान की, मन पिक्चर, आई वाज वर्किंग इन बॉम्बे एट दैट टाइम, तब मैंने उसकी 400 रुपए वाली टिकट 800 रुपए में लेके देखी थी। आई स्टिल रिमेम्बर दैट। एनीवेज, नाउ अ फर्म हैज अ सेल्स ऑफ ₹10 लाख, वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, आज मेरे को मेरी लड़की संजय ने एक बात याद दिलाई, अभी उसने मुझे मैसेज किया, कहती सर आप तो बदल गए हो। मैं कहा यार नहीं, मैं तो नहीं बदला। कहती आप बदल गए हो, आप हमेशा हमें टोका करते थे बेटा, बट यू वॉन्ट, यानी वॉट इज दी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप कभी भी क्वेश्चन टॉप से नहीं पढ़ते थे, आप जनरली क्वेश्चन बॉटम से पढ़ते थे। बॉटम मीन्स वेयर द रिक्वायरमेंट, सो दैट यू कैन गेट अ विजन। नाउ आगे चलते हैं। अ फर्म हैज अ सेल्स, अब मुझे पता लग गया मुझे क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। तो क्या कहते हैं ना, फटाफट से हमने क्या किया, अपना फॉर्मूला लिख दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईडी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी माइनस, देख लेंगे माइनस, देख लेंगे मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो वो वाला फॉर्मूला लिख देंगे, नहीं तो वहां पे जीरो लिख देंगे। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, यार ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल तो निकाल ही चुका हूं, तो व्हाई नॉट यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। यहाँ पे मुझे अक्षिता ने टोक दिया, कह रही सर आज आप वो वाला फॉर्मूला जो शुरू में लिखवाया था परसेंटेज वाला, वो क्यों नहीं यूज कर रहे? मैंने कहा करूंगा इसी क्वेश्चन में करूंगा, आपके मन की मुराद थोड़ी देर के बाद पूरी करूंगा। बट यस, इफ आई रिकॉल, आई वॉज टेलिंग यू गाइस कि मुझे फर्स्ट फॉर्मूला वैल्यू निकालने के लिए चाहिए और सेकेंड फॉर्मूला रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के लिए चाहिए। चलते हैं आगे।
नाउ मेरे पास सेल्स है 10 लाख, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है 7 लाख, मेरे पास कंट्रीब्यूशन है 3 लाख, देन द कंपनी हैज अ डेट, डेट मींस लोन ऑफ 5 लाख एट द रेट 10% इंटरेस्ट. ओ इट मींस माय इंटरेस्ट ऑन डेट विल बी 10% ऑफ वो फाइव. फिक्स फिक्स कॉस्ट ही है ना? मैं कौन बोला? बोली सर, सर मैं भी थैंक यू. मैं तो देख रहा था आप लोग सो रहे हो या जाग रहे हो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से सबसे पहले क्या माइनस करते हैं? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज गिवन टू अस एज 2 लाख. थैंक यू सो मच. चलो इट मींस एवरीबॉडी इज अवेक. ईबीआईटी. अब इसमें से मैं इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस कर दूंगा विच इज 5 लाख 10% विच कम्स आउट टू 50,000. सो माई ईबीटी बिकम्स 50,000. अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ईबीआईटी सॉरी कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख, ईबीआईटी 1 लाख. सो आंसर इज 3. ईबीआईटी 1 लाख, ईबीटी 50,000 माइनस 0, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड की बात नहीं, और डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज 6. यहां तक तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड था. अब जिसके लिए मैंने आपको मन पिक्चर की स्टोरी सुनाई थी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, और 3 बारी पढ़ूंगा. ये मेरी आदत है, संजय नोज इट. इफ द फर्म वॉन्ट्स टू डबल इट्स अर्निंग, इफ द फर्म वॉन्ट्स टू डबल इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हाउ मच विल बी द राइज इन सेल्स ऑन परसेंटेज बेसिस? 100%. वन बाय वन. जब इस लड़की ने मेरी बात सुनी, क्वेश्चन मुझे कहता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इज 100% एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स ना तुम जानो ना हम. वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ यू लुक एट योर फॉर्मूलाज गाइस, प्लीज लुक एट योर फॉर्मूलाज एंड टेल मी द वर्ड ईबीआईटी एंड सेल्स इज यूज्ड इन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज. इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वन ऑफ द फॉर्मूला फॉर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज वॉज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स. इट मीन्स आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला टू फिगर आउट द परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड दिस यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज 3. 3 means 3 upon 1. And you guys have already interpreted that double the EBIT means the percentage change in EBIT is? 100. It means my percentage change in sales in this case will be 33.33%. Now, let us assume question says, वेरीफाई द रिजल्ट. इसने लिखा नहीं है बट मैं बोल रहा हूं, वेरीफाई द रिजल्ट. नाउ इफ आई हैव टू वेरीफाई द रिजल्ट, इट्स वेरी इजी. टू प्रूव इट, आई नीड टू इंक्रीज माई सेल्स बाय हाउ मच? 33.33%. Now everybody knows, guys, please ab dhyan dena. My variable cost ratio is 70% of sales. If you look at the old data and the formula which I have tried to teach today, which says variable cost as a percentage of sales. So 7 lakh upon 10 lakh into 100. So my variable cost ratio becomes, it means my new variable cost for new sales will be 70% of 13,33,333 70%, which will be 9,33,333. Now my contribution comes out to 4 lakh.
क्वेश्चन इफ यू रिकॉल द फर्स्ट क्लास, फिक्स्ड कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स सेम कांस्टेंट अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन सेज अदरवाइज. यहां तो क्वेश्चन कुछ कह ही नहीं रहा. क्वेश्चन ईबीआईटी बिकम्स एनसी. हेंस प्रूव्ड कि व्हेन माय सेल्स इंक्रीजेस बाय 33.33% माय ईबीआईटी विल इंक्रीज बाय 100%. 1 lakh का 2 lakh हो गया यार. सो दिस इज वी हैव शोन द वेरिफिकेशन फॉर द सेम. इसी तरह हमारी ये क्लासेस आगे चलती रहेंगी और हम क्वेश्चंस करते रहेंगे. इलस्ट्रेशन 6.3 होमवर्क बिल्कुल बेसिक सी है बच्चों. आपको सेकंड वाले फॉर्मूलास यूज करके आपको इसको करना है. रिपीट क्लासवर्क प्लस होमवर्क होता है ये तो आपको मालूम ही है बच्चों. Yes, आपकी गलती होगी, आप कंपेयर भी कर सकते हो, बट फिर भी जब डाउट होगा तो व्हेन वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास एवरी टाइम आई विल बी आस्किंग एनी डाउट. सो फर्स्ट विल क्लियर द डाउट एंड देन विल गो फर्दर, राइट? एंड नाउ इलस्ट्रेशन 6.5 इंपॉर्टेंट. इससे रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन करूंगा. इम्पॉर्टेंट सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे वो ट्वेल्थ की याद दिला देता है आपको. ओके, चलते हैं आगे. नाउ व्हेन यू लुक एट दिस क्वेश्चन इट सेज कैलकुलेट फॉर द कंपनी द डिफरेंट टाइप ऑफ लेवरेजेस अज्यूमिंग द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10. संजय कहते हैं सर व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम यू इन 12th स्टैंडर्ड आप तो हमेशा ही बोलते थे व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू इज एज्यूम्ड टू बी ₹10 एंड डिबेंचर की फेस वैल्यू इज एज्यूम्ड टू बी ₹10. ये बाय डिफॉल्ट रूल था. व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट एंड यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स और मे बी द नंबर ऑफ डिबेंचर्स यू हैव टू कीप वन थिंग वेरी क्लियर दैट द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज एज्यूम्ड टू बी ₹10 and the face value of one debenture is assumed to be ₹100. Now, aage chalte. Now, balance sheet de rakhi hai, achhi baat hai. The company's total asset turnover ratio is 3. Now, before I go further, kya karun, ladies? Main hoon aadat se majboor. To pehle to formulas hi likhi. Contribution upon EBIT. When I started writing this second formula, maine kaha is question mein, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात नहीं हुई. तो व्हेन आई विल राइट द सेकंड फॉर्मूला राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई विल राइट 0 फिनिश, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड होगा ही नहीं. एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. नाउ वर्किंग नोट. मेरे बड़े पापा मुझे एक चीज कहते थे जो संजय ने शायद सुनी होगी, भूल गई होगी. फुल स्टॉप कॉमा एंड टेक अ पॉज, जितना समझ आए लिख डालो. लाइक द मोमेंट आई वॉज रीडिंग दिस सेंटेंस विच सेज द कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3. टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर का मतलब सर ने सिखाया था सेल्स, और सेल्स हमेशा न्यूमरेटर में आती है, सर ने कहा था. सो नेट सेल्स अपॉन क्या वर्ड है, टोटल एसेट्स. और सर ने एक बात और बोली थी कि टोटल एसेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी, बिकॉज फिक्टिशियस एसेट्स आर इन द नेचर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस. सर याद दिलाओगे, थोड़ा सा मैं का याद दिलाता हूं. लेट अस एज्यूम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, देन आई विल कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन. हियर इट इज रिटन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000. So your balance sheet total is 2 lakh. But for this formula, you will use 2 lakh minus 10,000. Because underwriting commission, share issue expense,
P&L debit balance, deferred revenue expenditure. If question is silent, they are fictitious assets and we have to take only those assets which can be converted into money. So we will subtract them. So this is what I wanted to recall, but let's come back to the original question. All right. Now, it is given to me as 3. Sales, I do not know. And my total assets are 2 lakh minus 0. Minus 0 मैं इसलिए लिखता रहता हूँ ताकि मुझे जिंदगी भर याद रहे कि भैया अगर कोई fictitious assets हैं तो मुझे वो subtract करके चलने. So 2 lakh into 3 becomes 6 lakh. Comma पे मैं रुक गया, मेरी आदत है. Fixed operating cost 1 lakh. Variable operating cost ratio is 40%. यानी 40% of बोलो which is 6 lakh. क्योंकि variable cost ratio is calculated as a percentage of sales unless and until question says otherwise. हाँ जी तो बट ये वाली सेल्स तो दूसरी है ना, ये एसेट वाली है. नहीं, एसेट वाली सेल थोड़ी है बच्चों. एसेट की हेल्प से आपने सेल्स की फिगर निकाल ली है बच्चों. सेल्स तो सेल्स ही होती है. दिस इज कॉल्ड कि आपने एक फॉर्मूला यूज किया, उसमें जो एक कंपोनेंट मिसिंग था वो आपने उसको सॉल्व करके निकाल लिया. इट मींस इस कंपनी की सेल्स 6 लाख है बच्चों. टोटल एसेट वाली सेल कुछ नहीं होता बच्चों. बेसिकली व्हेन यू हैव सेल्स, चलो मैं आपके साथ एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं टू एक्सप्लेन यू. आपके पास सेल्स है 10 लाख, आपके पास टोटल एसेट्स है 2 लाख. तो अब अगर आपको मैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालने को बोलूं तो आप बोलेंगे 10 लाख अपॉन 2 लाख व्हिच इज 5 अपॉन 1, राइट अक्षता? आ गया सर. तो अब ये 5 आ गया. मैंने इसका अल्टरनेटिव क्वेश्चन बना दिया. मैंने आपको सेल्स नहीं दिया और मैंने कहा सेल्स निकालो, तो सेल्स तो सेल ही रहेगी ना बेटा. इज दिस क्लियर संजय? यस सर. नाउ माय फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन इज 1 लाख. तो गाइस कंफ्यूज नहीं होना. ये देखो बेटा, when we were doing first example, they have written the word fixed cost. We have taken it as fixed operating cost. So this is a by default, wo fixed cost likhe. Tab bhi uska matlab fixed operating cost hai, unless and until question says otherwise. So what do you mean by unless and until question says otherwise? Wo likh dega fixed cost including interest, excluding interest, to fir mujhe interpret karna padega. But if question is silent, fixed cost is nothing but fixed operating cost. Now my variable cost हो गया, contribution लिख दिया. Contribution के बाद fixed operating cost is 1 lakh, so we get 2 lakh 60. It becomes my EBIT. EBIT में से अब सबसे पहले क्या minus करना पड़ेगा? Interest. Balance sheet पे जाओ. 10% of 80,000. इस क्वेश्चन में अब मैं टैक्स माइनस करूं या ना करूं मुझे फर्क नहीं पड़ता. उसका रीजन है क्योंकि मुझे परसेंटेज वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं करना. मुझे इंटरप्रिटेशन वाला फॉर्मूला है वो तो यूज नहीं करना. और जो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं इनमें कहीं पे भी अर्निंग आफ्टर टैक्स का यूज नहीं है, तो मैं नहीं भी लिखूंगा तो मेरा काम चल जाएगा. तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया. But sir, अगर हम लिखते तो हम इनकम टैक्स माइनस करते. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ बच्चों. अगर मैं यहाँ 30%, मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ. एक मिनट, हमारा टैक्स रेट 30% है. Yes, so just a second, 2,52 का 30% is 75,600 minus is equal to 176,400.
नेक्स्ट क्लास से कैलकुलेटर लेके बैठना क्लास में, आपको कैलकुलेटर यूज करना भी सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास से, ट्रिक्स भी सिखाऊंगा ताकि पेपर में टाइम बचे ना। मैं ये कह रहा था संजय, दिस इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसको लिख के, राइट? ओके, नाउ माय कंट्रीब्यूशन इज 360, माय ईबीआईटी इज 260, 260, माय ईबीटी इज 252। अब पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व क्या चीटिंग मार लेते हैं फटाफट से, कितना आया कितना आया, 1.384 and 1.38 and 1.03 मल्टीप्लाई करते हैं, मेरा रिजल्ट आ गया 1.42। फिनिश, आई एम डन विद द क्वेश्चन। सो वी यूज दिस फॉर्मूला, जैसे आज आपने ये फॉर्मूला यूज किया, मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूलास एक्स्ट्रा लिखवा दिए थे। आपकी इस पूरी बुक में सिर्फ टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो यूज हुआ है, बट यू नो देयर आर लॉट मेनी फॉर्मूलास ऑफ टर्नओवर विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन कैलकुलेट सेल्स। तो जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे दिया था, वो किसी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे देंगे, किसी में नेट एसेट टर्नओवर रेशियो दे देंगे। तो यू विल यूज दैट फॉर्मूला टू गेट सेल्स, क्योंकि जब तक आप सेल्स नहीं निकालोगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? आई हैव चेंज दिस क्वेश्चन टू अ बिट, बाद में दिखा दूंगा बच्चों, उसको चेंज करने से फर्क कुछ नहीं पड़ा, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डेवलप करना था, वो डेवलप हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन कट कर दी है जो बुक में लिखी थी। आई एम यूजिंग इंस्टेड ऑफ दैट, अगर किसी को मेरी गंदी राइटिंग नहीं समझ आती है, आई विल जस्ट रीड दैट पार्ट, दैट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, आई रिपीट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 5,000 व्हेन द फर्म प्रोड्यूसेस 1,000 यूनिट्स, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। नाउ लेट अस लुक एट द फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट सेज कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फॉर द कंपनी। कोई बात नहीं, मैंने कहा मैंने आपको लास्ट क्लास में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक फॉर्मूला तो लिखवाया था, ब्रेक इवन पॉइंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज इन शॉर्ट रिटन एज सीपीयू। अब जो कंप्यूटर वाले लोग होते हैं ना, वो इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो भाई वो कंप्यूटर में होता होगा। यहाँ पे सीपीयू स्टैंड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो मैंने पहला फॉर्मूला लिख दिया। वी आर डूइंग इलस्ट्रेशन 6.7। नाउ क्वेश्चन सेज ब्रेक इवन पॉइंट, ऑलराइट, नाउ लेट मी रीड द क्वेश्चन। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर अ फुल लाइन ऑफ लॉन फर्नीचर, ग्रेट, द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ अ फिनिश यूनिट इज 2500। सो व्हेन यू से एवरेज, एवरेज ऑलवेज मींस पर यूनिट, सो इनडायरेक्टली क्वेश्चन इज गिविंग मी selling price per unit as 2500 and the variable cost is 1500 per unit. Instead of variable cost per unit, the question might have said average variable cost. It's one and the same thing. So my contribution per unit is 1000. वो क्या कहते हैं ना, जिया बेकरार है, मुझे इंतजार है, आपको तो पता नहीं किसका, मुझे तो फिक्स कॉस्ट का इंतजार है। अब मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन कहता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, ओ इट मींस एवरेज फिक्स कॉस्ट इज गिवन टू मी एज 5000, द फॉर्मूला फॉर विच इज टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। लास्ट क्लास में समझा रहा था कॉन्सेप्ट, when the fixed cost is divided by quantity we get average fixed cost which is also called fixed cost per unit and this is my fixed cost when I produces 1000. Oh, that means the fixed cost
in this question to begin with is I'm done. So my answer is 5,000 units. Guys, don't confuse it with this. This was rupees, which was mentioned in the question. This we have calculated. So all about the first part. Now, the second part says, find the degree of operating leverage at the following production and sales level. The moment they mention the word production and sales level, picture is clear. There is no opening stock, no closing stock. Tabhi to production and sales ki same units bata rahe hain wo. Kyunki opening or closing agar zero ho gaya, the unit produced becomes equal to unit sold. Right. Now, we have to do it for 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 to begin with. 4,000, 5,000, 6,000, and... देखो मुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है जिसका डेटा कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट होता है. अगर मैं पेपर में जल्दी में हूं अक्षिता, अगर मैं पेपर में जल्दी में हूं, मैं पता है क्या करने वाला हूं, मैं ये दो चीजें सॉल्व ही नहीं करूंगा, सीधा कंट्रीब्यूशन. और मुझे पता है मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, 1000 इंटू 4000, 40 लाख, 50 लाख, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 60 लाख एंड 80 लाख. आफ्टर दैट आई नीड फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ माय क्वेश्चन गोज टू अक्षिता. अक्षिता, अक्षिता, यस सर, हाउ मच इज गोना बी माय फिक्स्ड कॉस्ट? आई फॉरगॉट हाउ टू डू इट. यार मैंने तो ये फिक्स कॉस्ट निकाली व्हेन आई वाज प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार अब 4000, 5000, 6000, 8000 का कैसे निकालूं. सर 5000 से इनटू करके. किसको 5000 से इनटू कर देंगे सर? चारों को, मतलब 4000, 5000, 6000 और 8000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 5000. ओके चलो, कबीर सिंह पिक्चर देखी थी? अरे हाँ या ना तो बोलो. यस. देखो उसमें गाना था, मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, मैं इसलिए ऐसी अपनी तमन्ना पूरी करता रहता हूँ. तो एक लाइन गा के सुनाता हूँ उस पिक्चर की, किसी गाने की, और ये गाना मुझे बहुत 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 पसंद है. कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ, सुना था ना? ऐसे लिवरेज के चैप्टर की फर्स्ट क्लास का कॉन्सेप्ट आपको चीख चीख के कह रहा है, कैसे हुआ मैं इतना जरूरी कैसे हुआ. याद करो मेरी एक बात, अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी, कौन सी? फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. तो आपकी यूनिट्स जितनी मर्जी चेंज होती रहे, फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स unless and until question says otherwise. तो आज के बाद अगर भूल जाओ तो याद रखना, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ. So far, so good. Is this one clear, Sanjay? Yes, sir. Now I have to calculate operating leverage. तो आपने पेपर में क्या करना है दोस्त, सुनना मेरी बात. इसको नाम दे दो एप्पल, इसको नाम दे दो बेबी, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना. सर स्पेस क्यों छोड़ रहे, थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ यार. मुझे पता है समवेयर डाउन द लाइन आई माइट हैव टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज. For which I need to solve it further. तो मैंने क्या किया संजय, इसको थोड़ा पेंडिंग छोड़ दिया, और अब यहां से
अपना आंसर लिखना शुरू किया. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज कॉन्टी अपॉन ईबीआईटी एंड एज पर दिस टेबल वी विल डिवाइड द वैल्यू ऑफ ए बाय बी, ताकि मुझे बार बार उस वैल्यू को लिख के ना दिखाना पड़े, मैं डायरेक्टली अपना आंसर दिखा दूं. इज दैट पॉइंट क्लियर गाइस? Yes. So, 40 lakh upon minus 10 lakh is minus 4. This is not defined because 50 lakh upon 0. Maths mein anything upon 0 becomes infinity. This is 6 lakh and this becomes 80 lakh upon 30 lakh. 3 to the 6, 3, 6, 2.67. Approximately. Any doubt? Akshita? Sir, mujhe thoda samajh nahi aa raha. Kaun se wala mera beta? सर ये जो 4, 5, 6, 8 है ये प्रोडक्शन है या फिर सेल्स है? ये प्रोडक्शन एंड सेल्स है इन टर्म्स ऑफ, आपको वापस याद दिलाता हूँ, मतलब जितना हमने प्रोड्यूस किया है उतना सेल होगा. यस, आपको याद है मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था अभी हमारे इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है. तो जो यूनिट प्रोड्यूस है वही यूनिट सोल्ड है, तभी तो उसने बोल दिया प्रोड्यूस एंड सोल्ड, तभी तो उसने बोल दिया प्रोड्यूस एंड सोल्ड. सर ये ईबीआईटी सॉल्व करके निकाला है? हाँ ये तो हमने सॉल्व किया ना बच्चों, देखो कंट्रीब्यूशन निकाल लिया था, फिक्स कॉस्ट मैंने आपको समझाया हमने यहाँ से लिया, और उसकी हेल्प से फिर हमने कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट वैल्यूज माइनस करते गए और निकालते गए आंसर. ठीक है सर. संजय एनी डाउट? सर ऑल राइट, नाउ आगे चलते हैं. नाउ द सेकंड पार्ट क्या कहता है, सॉरी सेकंड पार्ट हमारा हो गया, ठीक है हमने यहां तक सॉल्व कर लिया. इन्होंने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कहां सॉल्व किया मुझे नहीं पता. हाँ ये कर रखा है, पहले दो पे देखो इन्होंने डैश मार रखा है, टेक्निकली ये नेगेटिव आ गया, सिंस रिस्क कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए आपको इसको किस पे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जीरो. Not defined risk, we cannot say we cannot define risk. That's why उन्होंने इसको भी zero ना लिखते हुए उन्होंने क्या बोल दिया, we cannot calculate it. मतलब it does not exist because risk has to be a positive one, right? All right. Third part पढ़ते हैं. Third part क्या कहता है हमारा यहाँ पे? Third part कहता है, does the degree of operating leverage will increase or decrease as the production and sales level rises above the break-even point. Above the break-even point. Like, wait. Mera break-even point kitna tha, guys? Sorry, guys. There was some interruption. Yeah. Now, I was saying, what was our break-even point? 5,000. And now the question is asking that whether my operating leverage increases or decreases when I produce and sell above the break-even point. Now look at this question. Above the break-even point, when you say go, above the break-even point as you go from 5 to 6, 6 to 8, what you are seeing? Your operating leverage is? Decreasing. You know why it is decreasing? बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना. मैं बड़ा देसी सा एग्जांपल लेता हूँ अक्षिता के साथ. अक्षिता 10 - 3 7. अब सुनना मेरी बात को. 10 से मेरा मतलब था सेल्स, 3 से मेरा मतलब था कॉस्ट, तो मेरा प्रॉफिट आया 7. यस yes. मैंने क्या किया, आग लगा दी मार्केट में, पेंडेमिक आ गया और उसके चक्कर में मैंने ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी. मेरी कॉस्ट तो अभी भी 3 रुपीज है. Yes, मैंने 10 रुपीज वाला पेन 12 रुपीज में बेचा, तो 12 - 3 तो मेरा प्रॉफिट्स बढ़ गया. तो प्रॉफिट बढ़ने का मतलब मेरा रिस्क कम. अब हमें पता है ऑपरेटिंग लिवरेज का सोल कंपोनेंट ऑफ रिस्क इज फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट विच इज कांस्टेंट, बट व्हेन माय सेल्स विल इंक्रीज my proportionate profit will increase, as a result the risk associated with the business will decrease. Thank you. Now I will read this answer with you. When the sales level rises above the break-even level, like 5 to 6, isko mat dekhna bachcho abhi,
We haven't discussed this because हमने अभी वो किया ही नहीं. When my sales level rises from 5 to 6, 6 to 8, what you can see? It says, the sales has increased beyond the break-even level. It means increase in operating profits is lesser and lesser. Increase in operating profits is lesser and lesser. In case the sales increases, उसको छोड़ दीजिए आप. अब आप इस पे आ जाइए. Fourth part. Fourth part क्या कहता है संजय, एक बार पढ़ के सुनाओ. By what percentage the EBIT will increase if the company sales should increase by 10% from the production and sale level of 8,000 units? 8,000 में मुझे कितना increase करना है? 10%. So my unit to be produced and sold will be 8,800. Since my contribution per unit remains constant. अक्षिता ये तो क्लियर है ना बच्चों, ये कैसे आ रहा है 88 लाख? यू आर मल्टीप्लाइंग प्रोडक्शन विद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टू गेट कंट्रीब्यूशन. योर फिक्स्ड कॉस्ट सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट रिमेन्स. आप बड़े ध्यान से देखना संजय. Yes, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ था? राइट. नाउ अब जरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालोगी तो आप क्या करोगी? 88 लाख ए अपॉन बी. आपको बस ये याद रखना है बच्चों, ए अपॉन बी. आप समझ गए ना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक बार लिख रहा हूँ अक्षिता. ए मींस कंट्रीब्यूशन की वैल्यू इन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स, अगर आप उसको लिख के दिखाना चाहो. बी मींस ईबीआईटी की वैल्यू. तो व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट योर आंसर एज 2.316. So can I say, it is proved over and again, whenever you will increase your sales, if fixed costs remain constant, your risk is reducing every step. Is this point clear? Yes, sir. So this is what they are saying. In case the sales increases, it would decrease by, it says the EBIT would decrease by 26.67%. सर ये नहीं समझ आया अक्षिता कहती है. इधर आइए. अक्षिता. यस सर. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का एक फॉर्मूला ये था. And at 8,000 level, it was? If my sales increases by 10%. If my sales increases by 10%. So my percentage change in EBIT kitna hoga? Bolo, bolo. 10.2. अभी समझ आ रहा है वो जो उन्होंने डायरेक्टली शॉर्टकट मार दिया बेटा? यस सर. दिस इज व्हाट दे हैव डन संजय. और उसको उन्होंने वेरीफाई करके बता दिया. उसको उन्होंने वेरीफाई करके बता दिया. एक और चीज. हाँ जी. जैसे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 5,000 यूनिट्स पे. हाँ जी. 6,000 पे रिस्क पहले तो बढ़ रहा है कि 5,000 पे है ही नहीं रिस्क. नहीं, 5,000 पे हम रिस्क को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे बच्चों. नॉट डिफाइन था ना. अच्छा ठीक. तो उसको बढ़ना नहीं कहूंगा, मुझे पता ही नहीं बच्चों वहां पे कितना था. दैट वाज नॉट डिफाइंड. ठीक है सर. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, आता रहता है इस तरह का. तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू डेवलप. होता क्या ना, कई बार हम स्टक हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता साला क्वेश्चन क्या कह रहा है. छोटा सा है बट जितने छोटे होते हैं ना उतने ही खोटे होते हैं. संजय तुम घर में छोटी हो ना? Yes, sir. देखा, पता था मुझे. तो जितने छोटे उतने खोटे और सबके लाडले उसी चीज का फायदा उठाते हैं. राइट संजय? Sir. देखा, मुझे मालूम था. ऑलराइट. नाउ calculate percentage change in EPS if sales are expected to increase by 5%.
5%. मैंने कहा सबसे पहले आप अपने फॉर्मूलास की लिस्ट खोलो, जब आप अपने फॉर्मूलास की लिस्ट खोलोगे तो आप देखोगे डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का जो हमने फॉर्मूला लिखा था दैट वाज परसेंटेज चेंज इन ईबीटी ऑब्लिक ईएटी ऑब्लिक ईपीएस लिखवाया था ना मैंने, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, करेक्ट. नाउ बेस्ड ऑन दिस उसने मुझे सेल्स का तो बता दिया, बट जब तक वो मुझे डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज नहीं बताएगा मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट. तो मुझे इस क्वेश्चन में अब डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा. तो मैंने कहा यार डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला होता है क्या होता है क्या होता है, हाँ आई थिंक यही था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी माइनस जीरो. सर जीरो क्यों लिखा? मैंने कहा यार जीरो इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं प्रेफरेंस डिविडेंड दिख ही नहीं रहा, अदरवाइज मुझे पता है वहां पे मुझे लिखना होता है प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन वन माइनस टैक्स रेट. ऑलराइट. अब मैं तो बचपन से ना ऐसा ही था. कैसा? ऐसा. मैं ऐसा ही हूं. फॉर्मेट लिख लो यार, टेंशन नहीं रहती जिंदगी में. क्वेश्चन में टैक्स रेट है सर? नहीं है तो ठीक है, अपना काम चल जाएगा. नाउ आई विल स्टार्ट लुकिंग एट द क्वेश्चन. आपने देखा मैंने पहले क्वेश्चन को पढ़ के जितना मुझे समझ आता था इंटरप्रिटेशन, मैंने वो इंटरप्रेट के जो समझ आया सब चेप दिया. अब ईबीआईटी कितना है? 11,20,000. मुझे नहीं चाहिए ईबीआईटी. प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 3,20,000. ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आ गया? 1,00,000. बट ये तो मुझे चाहिए नहीं. हाँ ईबीटी मुझे चाहिए. ईबीटी बोलो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो, बात एक ही है. अब वो क्या कहते हैं ना, जिया बेकर आ रहा है, मुझे इंतजार है किसका? कॉन्ट्रीब्यूशन का. फिक्स कॉस्ट, ओ आई गेट इट. उल्टे जाएंगे ना, ऊपर से आते हुए माइनस हो रहा था तो नीचे से ऊपर जाते हुए प्लस. So my contribution in this case will become 18,20,000. ये क्वेश्चन मैं जब भी क्लास में करवाता हूँ अपने कॉलेज के बच्चों को, आज मैंने लिख के बता दिया बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, मैं सब बच्चों से डायरेक्टली पूछता हूँ और ज्यादातर बच्चे पता क्या बोलते हैं? सर 3,80,000. मैं कहा नालायक क्यों? कहते सर माइनस करेंगे ना. मैंने कहा गधे उल्टा जा रहा है, अब माइनस नहीं अब उसे प्लस करना पड़ेगा. बस इस क्वेश्चन का मेजर कैच. एंड यू नो एज लाइक क्रिकेट, कैचेस विन मैचेस. सर इतने गंदे गंदे पीजे मत मारा करो. अच्छा सॉरी यार. 5.69. ओ आई गेट इट. इट मींस माय परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर विल बी 5.69 × 5. अब सुनना संजय, एक छोटी सी और गलती जो कुछ बच्चे एग्जाम में कराते हैं. मैंने यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ? 5%. वो कैलकुलेटर पे ना 5.69 × 5% करना शुरू कर देते हैं. 5% ये एक वेरिएबल है तो मुझे परसेंटेज को इग्नोर करना है, सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई करना है और आंसर में वापस परसेंटेज लगाना है. इट मींस इफ माय सेल्स चेंजेस बाय 5% माय ईपीएस विल चेंज बाय 28.45%. तो आज की क्लास में फिर से बता दो. बोलो अक्षिता क्या कह रही हो आप? ये जो 5% वाला आपने बताया था, मैं ये बताया था. मैंने कहा बच्चों मैंने किया है 5.69 × 5 और परसेंटेज वर्ड लगा दिया. आप लोग एग्जाम में क्या करते हो गधे की तरह, कई बार इसका भी 5% निकालने बैठ जाते हो और पेपर में आंसर लिखाते हो 0.2845. मैं कहा बच्चों अगर 0.28545 लिख रहा है परसेंटेज के लिए इनटू 100 तो 28.45 बनेगा ना. सो द बेस्ट इज इन चक्रों में ही मत पढ़ो, थोड़ी देर के लिए परसेंटेज को भूल जाओ. आप 5 को डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5.69
69 से और आंसर में वापस परसेंटेज लगा दो बेटा. सो फार सो गुड गाइस.